सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे मीडिया कर्मी और हमारे जिला के जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, सबका हम धन्यवाद देते हैं और सबको यही बोलेंगे कि आज का जो हमारा चुनाव का दिन रहा द्वितीय चरण में किशनगंज लोकसभा सीट में, चार विधानसभा क्षेत्र हमारे जिला में पड़ते हैं, दो अमार और बायसी पूर्णिया जिला में हैं, तो सब जगह पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ और सब जगह पर हमारे मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके लिए हम जिला की जनता का धन्यवाद भी करते हैं। हमारे जिला के जितने मीडियाकर्मी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के बंधु हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। हमारे जितने पदाधिकारी हैं जिला के, जितने हमारे पोलिंग पार्टीज के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, हमारे जितने ऑफिसर या फील्ड में कर्मी हैं, सबका हम बहुत धन्यवाद करते हैं और सबको बहुत ही शुभकामनाओं के साथ यही कहेंगे कि आप लोगों ने एक मतदान का जो पर्व है, हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है भारत के लोकतंत्र में, उसको बहुत ही बखूबी अपने अपना रोल निभाया है और हमारे जिला के जितनी भी जो पुरानी विरासत रही है, पुराने चुनावों का इतिहास रहा है, उसको कायम रखा है और आने वाले दिनों में भी आशा करेंगे कि यह कायम रहे। अभी हमारा जो आज का जो मतदान का प्रक्रिया था, उसमें टोटल लोकसभा में हमारे जो जिला के चार विधानसभा थे, उनमें जो VTR जो फाइनली वोटर टर्नआउट रेशियो रहा कि जितने मतदाताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो फिगर जो आ रहा है अभी हमारे पोलिंग पार्टीज उसका डेटा एंट्री कर रही है हमारे सॉफ्टवेयर में, लेकिन अप्रॉक्सीमेट फिगर हमारा 62 से 64 तक वैरी कर रहा है। ये हम आशा करते हैं कि यह 64% तक या उसके आसपास रहेगा। हमारी चारों विधानसभा में महिलाओं की जो भागीदारी है वोटिंग में, वो पुरुषों से ज़्यादा रही है और ओवरऑल भी जो हमारा डेटा है, महिलाओं का जो मतदान का प्रतिशत है वो लगभग 65% रहा है, जबकि पुरुषों का जो मतदान का प्रतिशत है वो लगभग 56 से 57% रहा है। और हमारी चारों विधानसभा में 52 बहादुरगंज में जो फाइनल जो हमारा फिगर अप्रॉक्सीमेट है मतदान का, वो 62% के करीब रहा है। 53 जो हमारा ठाकुरगंज है वो 64% के करीब रहा है। 54 जो किशनगंज है वो लगभग 62% रहा है। कोचादामन भी लगभग 62% के आसपास रहा है। इसके अलावा हमारे जो क्रिटिकल जो बूथ हैं जिला में, उनका भी जो एवरेज वोटिंग का परसेंटेज है वो भी लगभग जो ओवरऑल परसेंटेज है उसके समान ही 64 से 65% के करीब रहा है। इसका मतलब कि जो हमारे बूथ संवेदनशील चिन्हित किए गए थे या क्रिटिकल चिन्हित किए गए थे, वहाँ पर भी जो मतदाताओं ने उसी अनुरूप में पार्टिसिपेट किया है जैसा कि बाकी जगहों पर पार्टिसिपेट किया है, यह बहुत ही एक अच्छा संकेत है कि हमारे जो वल्नरेबल एरियाज थे, जो दलित टोला, महादलित टोला या माइनॉरिटी एरियाज थे, वहाँ पर भी लोगों ने बिना किसी भय के खुलेआम अपना जो मतदान का जो अधिकार है उसका प्रदर्शन किया और उनको उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया और मतदान में योगदान दिया। इसके अलावा हमारा जो EVM VVPAT की परफॉर्मेंस के बारे में हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि इस बार जो इसका परफॉर्मेंस रहा M3 मशीन का, बहुत ही अच्छा रहा। हमारा जो टोटल EVM VVPAT जो व्यवहार हुआ, उसमें से मॉक पोल या एक्चुअल पोल के दौरान हमारी EVM VVPAT की मशीनों में जो खराबी या रिप्लेसमेंट है वो 1% से भी कम रही है। हमारा VUC जो VVPAT का रिप्लेसमेंट एक्चुअल पोल के दौरान मात्र एक पोलिंग स्टेशन में अभी तक डेटा आया जहाँ पर VUC जो हम लोगों ने चेंज की ड्यूरिंग द एक्चुअल पोल। मॉक पोल के दौरान भी हमारा जो EVM VVPAT का जो रिप्लेसमेंट है बहुत ही कम है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी पोलिंग पार्टीज ने जो ट्रेनिंग लिया, उन्होंने हमारे पोलिंग पर्सनल ने बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग लिया, उनको EVM चलाने के बारे में जो भी टेक्निकल नॉलेज है उनको बहुत अच्छे से प्राप्त है और उन्होंने मतदान के दिन भी इसका वो भी प्रयोग किया और मतदान में जो व्यवधान होता है उसको भी उन्होंने उसको पार किया। हमारे मतदाताओं के लिए भी यह एक अच्छा संकेत है कि उनका एक स्मूथ एक पोलिंग वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है और हमारा ओवरऑल जो चुनाव है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके में संपन्न। ओवरऑल हमारा जो प्रतिशत का जो आंकड़ा है वो जैसे पोलिंग पार्टीज चुनाव कंप्लीट करवाती हैं उसके पश्चात अपने सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री करती हैं, तो उसको उसका भी जो फाइनल आंकड़ा है हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम यही बोलेंगे कि यह आंकड़ा लगभग आपका 62 से 65% के बीच रहने का अनुमान है और ये हायर साइड पर ही रहेगा, 64-65 के करीब रह सकता है, तो फाइनल फिगर आने में कुछ देरी लग सकती है, हो सकता है आज रात्रि या कल सुबह आपको फाइनल फिगर। सर पिछले प्रतिशत से इस बार का प्रतिशत कुछ कम रहा? पिछला प्रतिशत 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें प्रतिशत लगभग 66% रहा था, लेकिन उसके पश्चात जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो किशनगंज जिला का प्रतिशत उसमें 62% था, तो उसकी तुलना में हमारा इस बार का जो फाइनल VTR है वो लगभग समान या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो हमारे जिला ने पिछले लोकसभा चुनाव के अनुरूप ही इस बार प्रदर्शन किया है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई कमी हम लोगों को नहीं लग रही है, ना ही उसकी संभावना लग रही है, तो हम यही बोलेंगे कि पुराने वाले जो चुनाव हैं उसी के अनुरूप ही इस बार हमारा चुनाव। सर बहुत सारे वोटरों को वोट देने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि उनके नाम को डिलीट कर दिया गया या उसके नाम को ऐसे बूथ में मतलब ट्रांसफर कर दिया गया जिसकी जानकारी मिलने से तक उनको मतलब इसके बारे में कुछ सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है पोल डे के दिन आज, तो इसका हम समीक्षा करेंगे। हो सकता है कि जब ELO ने उनका नाम रोल में जोड़ा हो या जब उनका शिफ्टिंग या मॉडिफिकेशन किया गया हो, फॉर्म 8 या 6 भरवाया गया हो,
उस टाइम पर हो सकता है उनको जो नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन है मे बी वहाँ पर उस प्रकार से उनका नाम नहीं जुड़ पाया जो कि जुड़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम यह बोलेंगे कि हमारा ओवरऑल जो रोल का जो रेशियो है, रोल का नंबर है, लगभग 12 लाख से ज़्यादा मतदाता हमारी रोल में किशनगंज जिला में जुड़े हैं, उनमें से मात्र ऐसे मामले लगभग डबल डिजिट में मतलब 15-16 से ज़्यादा मामले ऐसे नहीं होंगे जो हमको लगता है आज जो हमारे संज्ञान में आए हैं। तो हमारा ओवरऑल रोल का जो प्योरिफिकेशन है, रोल का जो डेटा है, यह बहुत ही अच्छा है। किशनगंज जिला के जितने लोग मतदान के लिए एलिजिबल हैं, हम जो है सबको विश्वास दिलाते हैं कि सबका नाम रोल में है, अगर कोई भी उसमें और उसका त्रुटि निराकरण करना है, जो उसको प्योरीफाई करना है आने वाले दिनों में, हम वो भी करेंगे। सर, बिहार का ध्यान किशनगंज की ओर था चुनाव के दरमियान, क्या उनके परिजन को लाभ दिया गया अब तक? दो लोगों की यहाँ पर जो एक बहुत ही दुखद घटना जो दो बार हुई थी, एक तो हमारे जो पोलिंग कर्मी थे वो ट्रेनिंग के टाइम उनका देहांत हो गया था, वो जब उनका सेकेंड थर्ड ट्रेनिंग चल रहा था, तो हमारे पोलिंग पर्सनल थे दिगल बैंक से इकबाल नूरी जी, तो उनके फैमिली को उनके आश्रितों को हमने भारत निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुसार 15 लाख रुपए की जो अनुग्रह अनुदान था उनके फैमिली को 72 घंटे के अंदर बिहार के निर्वाचन विभाग के द्वारा हमने उपलब्ध करवाया था। उसके पश्चात हमारे पुलिस लाइन में एक होमगार्ड के जवान थे रामजी प्रसाद, जो नालंदा से अपनी होमगार्ड की यूनिट के साथ आए थे, वो वहाँ पर फिसलकर गिरने से उनकी आई थिंक मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था। उनका भी हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लिए हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आना बाकी है, तो कल या परसों तक हम उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लेके उनका पूरा डॉक्यूमेंट सर देंगे, उसमें भी हमारा प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा, उनके आश्रितों को भी उसी अनुरूप अनुग्रह मांगे। पहले भी जैसे हमने कहा कि कोई भी विवाद यहाँ पर इस प्रकार का नहीं हुआ, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है चुनाव संपन्न हुआ, और इसका सारा क्रेडिट हम किशनगंज के जिले की जनता को देना चाहते हैं, यहाँ के पोलिंग पर्सनल को देना चाहते हैं, इलेक्शन से जुड़े जितने हमारे कर्मी ऑफिसर हैं, स्टाफ हैं, यहाँ के मीडिया हैं, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ के पॉलिटिकल जितने लीडर्स हैं, उन सबको देना चाहते हैं। उनके पार्टिसिपेशन, उनके सहयोग के बिना जो शांतिपूर्ण चुनाव संभव नहीं था, तो उस क्रेडिट के भागीदार हम सभी हैं, हमारे जिला की जनता। सिक्योरिटी रहेगी जैसा कि इलेक्शन कमीशन के मानक है, हमारी 3-layered सिक्योरिटी का जनरली मॉडल रहता है। जैसे ही हमारी पोल डीवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में आती हैं, हमारे बाजार समिति में जो गोडाउन है उसमें प्रथम लेयर जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की रहती है, सेकेंड लेयर हमारी स्टेट आर्म्ड पुलिस की रहती है जो कि 20 की यूनिट्स होती हैं, थर्ड लेयर हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की रहती है फाइनल बैरिकेडिंग, तो उसमें सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू नहीं है। सर, इस बार बीएलओ की काफी लापरवाही देखने को मिला, सर लोग मतदाता सूची नहीं मिल पाया है। पोल डे के दिन इतना बीएलओ का डायरेक्ट रोल इसमें नहीं होता है, बट बीएलओ का रोल प्योरिफिकेशन में, रोल में नाम जोड़ने या हटाने को लेकर होता है। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी ओवरऑल रोल की जो प्योरिटी इस बार बहुत अच्छे से हमारा ये प्रक्रिया संपन्न हुई थी, उसके बावजूद अगर कहीं पर इस प्रकार का कोई मामला संज्ञान में आता है, हम आने वाले टाइम में भी जो हमारा समरी रिवीजन होगा, रोल का रिवीजन होगा, उसमें लोगों का नाम अपडेट करेंगे। धन्यवाद सर।